के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार से लेकर प्रशासन स्तर तक एक्सपर्ट्स की टीम्स लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल मिलती नजर नहीं आ रही है। अब इसी कड़ी में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम भी मदद करेगी। टीम मौके पर पहुंचकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेगी, इन भेड़ियों पर रिसर्च करेगी। संस्था के वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, वो एक बार आपको सुना देते हैं। देखिए, भेड़ियों को पकड़ना वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतने बड़े एरिया में घूमते हैं कि एक पॉइंट डिसाइड करना कि किस पॉइंट पर वो आपके पकड़ में आएंगे, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि बहराइच के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहराइच वाले वुल्फ 6 वुल्फ थे, जिसमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 ऑलरेडी पकड़ लिए हैं, जो कि शायद बच्चे थे उनके, और 2 बड़े रह गए हैं। तो अब बड़े का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, वो अपने बच्चों को भी खोज रहे हैं और उनको खाने की भी तलाश है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ बात कर रहे हैं, मैंने न्यूज़ में ही देखा कि अटैक जो है वो बहुत दूर दूर हो रहे हैं, मतलब आज इस गाँव में है तो अगले दिन किसी बहुत दूर गाँव में हो रहा है। तो इसका शायद ये मतलब ये हो सकता है कि वो अपने बच्चों को खोज रहे हैं। हमारी टीम गई है, आज ही पहुंची है वहां हमारी टीम, तो हमारी टीम भी उनको पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगी। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारी टीम देखिए कि किस तरह से हम थोड़ा सा भी अगर मदद कर पाएंगे उनको तो बहुत ही अच्छा। ये जो घटना अगर आप देखेंगे करीबन 25 साल के बाद हमारे देश में हो रही है, 1997-98 में हुआ था, उन्नाव रायबरेली लियोलो फतेहपुर में, उस टाइम 3 साल रहा था ये, करीबन 70-80 बच्चों को मारा था उस टाइम भेड़िए ने, और वो सारे भेड़ियों को पकड़ा गया था, एलिमिनेट किया गया था, और वो वहां पे रुका हुआ है।